बेनज़ीर शहीद वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर के 13वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला परवेज़ खट्टर का कहना था कि सूबे में खवातीन के लिए दो नई यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, तालीम से सियासत का खात्मा कर दिया है, जिसके नतीज कुछ अरसे बाद सामने आएंगे। जितने हमारे स्कूल बन रहे हैं, जितने हमारे कॉलेजेस बन रहे हैं, वो 70% लड़कियों के लिए हैं और 30% लड़कों के लिए, ताकि आपको वो जो फर्क है, वो जो कमी है, वो पूरा कर सके। वज़ीर-ए-आला परवेज़ खट्टर का कहना था कि चोरों और डाकों का रास्ता आपको रोक दिया गया है, ऐसे लोग दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। तो यही वजह है कि हमारी तवज्जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हर तरफ है। आज हमारी हुकूमत में तकरीबन 67 कॉलेजेस कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पे काम शुरू हो चुका है, और इस साल 12 और कॉलेजेस हम बना रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम हमारी हुकूमत ख़त्म होने से पहले कम से कम 100 कॉलेजेस हम इस सूबे को दे सकें, क्योंकि ये ज़रूरत है आज की। तकरीब में तालिबात की जानिब से अमन अमान के हवाले से ड्रामा भी पेश किया गया और शुरका से खराज तहसीन वसूल की। इससे खबर वज़ीर-ए-आला परवेज़ खट्टर ने बेनज़ीर शहीद वुमेन यूनिवर्सिटी की सालगिरह का केक भी काटा। कैमरामैन सदर कमर के साथ मुसर्रत उल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।